फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एबीपी धर्मा लाइव की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे आपके बोलते हुए नाम के आधार पर आपका राशिफल, इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे आपके मूलांक के आधार पर और आपके बोलते हुए नाम के आधार पर कुछ सरल उपायों की जो आपके लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे शुभाशुभ के बारे में, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ, बताएंगे कौन सा रंग, कौन सी दिशा, कौन सा समय आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग, कौन सी दिशा, कौन सा समय आपके लिए अशुभ है। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को त्याग देना है, यही सफलता का सूत्र भी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में नामांक स्पेशल उपाय की, एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को बस चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 5 अप्रैल 2024, तिथि रहेगी एकादशी, भगवान विष्णु की तिथि, तिथि अंक रहेगा 2, नक्षत्र जो रहेगा वो रहेगा धनिष्ठा, नक्षत्र अंक 5 रहेगा, दिन का मूलांक रहेगा 2 और भाग्यांक रहेगा 8, इसलिए 2 के प्रयोग को और 8 के प्रयोग को आप ज्यादा कर सकते हैं जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। दिन का शुभ रंग रहेगा फिरोजी और अशुभ रंग रहेगा काला, इसलिए फिरोजी को अपनाएं और काले को त्याग दें, इससे आपको सक्सेस और डिफीट का रेशो कंपैरिजन आपको करना है। फिरोजी को ज्यादा इस्तेमाल करें, कपड़े पहन लीजिए और काले कपड़े त्याग दीजिए, काली चीजों को त्याग दीजिए। दिन की सबसे शुभ दिशा है अग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट, इस दिशा में किए गए कार्य सफल रहेंगे, खास काम, कुछ इंपॉर्टेंट काम, और दिन की अशुभ दिशा रहेगी पश्चिम, इसलिए पश्चिम दिशा की ट्रेवल करने से बचें और कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई खास काम कर रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो पश्चिम मुखी होकर के ना करें। दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:24, इस समय पर किए गए कार्य असफल हो सकते हैं, इसलिए इस समय को त्याग दें। और दिन का सबसे शुभ समय रहेगा दोपहर 12:25 से लेकर के शाम को 3:20 तक, कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई इम्पोर्टेंट डील करनी है, कोई शुभ कार्य करना है तो इस समय अवधि में कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के अंक भविष्यफल की मूलांक नंबर 1 के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ए जे या एस से शुरू होता है, आपको पैसा उधार देने से बचने की मैं सलाह देता हूं। पुरानी बात को लेकर कुछ आप परेशान रह सकते हैं, यात्रा में पूरी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। संतान से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, ऐसे में क्या उपाय करें, ऐसे में बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बी के या टी से शुरू होता है, संतान को लेकर कुछ आप परेशानी महसूस कर सकते हैं, कोई बड़ा कारोबारी निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, जल्दबाजी में फैसले लेने से आपको बचना होगा, प्रेम जीवन हालांकि सफल रह सकता है आपका, ऐसे में क्या उपाय करें। देखिए पीपल पर दूध चढ़ाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल या यू से शुरू होता है, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रह सकती है, आपका मन जो है वो अध्यात्म में रह सकता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना भी है, इस अवसर का फायदा उठाएं। हालांकि पेट दर्द से कुछ आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, ऐसे में क्या उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम डी एम या बी से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी हैं,
पिछले कामों से आपको लाभ भी हो सकता है और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। ऐसे में क्या उपाय करें? सोना धारण करें। मूलांक 5 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम EN या W से शुरू होता है। अपने भाषा पर और अपने गुस्से पर आपको पूरा कंट्रोल रखना होगा, ये सलाह है आपके लिए। माता के साथ में अनबन होने की भी संभावनाएं हैं। नौकरी का क्षेत्र हालांकि आपका बेहतर रहेगा, इसका लाभ उठाएं, काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसे में एक उपाय करें, तांबे के लोटे से तुलसी को जल अर्पित करें। मूलांक 6 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FO या X से शुरू होता है। विरोधियों से और शत्रुओं से अपने आपको सावधान रहना होगा। कारोबारी लाभ की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। दांपत्य जीवन आपका खुशहाल रह सकता है, बस आपको वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी और पूरे ध्यान से ड्राइविंग करनी होगी। उपाय क्या करें? सफेद चंदन से शिवलिंग पर तिलक करें। मूलांक 7 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है। आपको कुछ नई चीजें सीखने का सुंदर अवसर भी मिल सकता है। कारोबार में नकद लेन देन से आपको बचना होगा। जो भी पेमेंट्स है चेक से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से स्वीकार करें। ऑफिस में कामकाज कुछ ज्यादा रह सकता है, आपको शाम के समय कुछ थकान भी महसूस हो सकती है। ऐसे में क्या उपाय करें? चावल का दान किसी मंदिर में कीजिए। मूलांक 8 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है। कारोबारी यात्रा में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। संतान से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है। ऐसे में क्या उपाय करें? तिल और जौ जल प्रभा करें। बात करते हैं मूलांक 9 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है। कामकाज में लापरवाही से आपको बचना होगा, ये सलाह है सबसे पहले आपके लिए। सतर्कता से ड्राइविंग करें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना। अपने गुस्से पर भी आपको थोड़ा सा काबू रखना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। बच्चों की शिक्षा की आपको चिंता भी बनी रहेगी और गृह क्लेश की भी संभावना है, उसको लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पीसफुल रहें, अपने माइंड को कूल डाउन करें। और क्या करें? कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, बहुत कम शक्कर का, नाम मात्र शक्कर का इस्तेमाल करें, अन्यथा कुत्तों को खुजली की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, अब समय है नामांक स्पेशल उपाय का। वो स्पेशल उपाय जो आपकी लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर देगा, जो आपके लाइफ को अच्छा बना देगा, जो आपके जीवन में कुछ नई उम्मीद जागृत कर देगा। देखिए, बहुत खास दिन है, एकादशी का दिन है और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का बहुत स्पेसिफिक दिन है और बहुत पवित्र दिन है, और ऐसे में बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए एक तो भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु के निमित्त सुगंधित तेल का अष्टमुखी दीपक, अष्टमुखी दीपक का मतलब होता है दिए में 8 बत्तियां डाल करके एक ही दिए में, और सुगंधित तेल जैसे चमेली के तेल का दीपक जलाइए 8 बत्तियों वाला, और वो भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़कर अपनी सारी बाधाओं को दूर करने की प्रेयर कीजिए।
उनसे प्रार्थना कीजिए। आश्वस्त करता हूं आपको, सभी प्रकार की बाधाओं से 100% मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।